हमने बात करी थी कि जब हम किसी रजिस्टर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर लगातार स्पीड अप होते रहते हैं और फिर एटम से उनकी टक्कर होती रहती है। इस स्पीड अप के बाद अचानक से हुई टक्कर में वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, और इस प्रोसेस में वो एटम एक एक्स्ट्रा एनर्जी अचीव करते हैं। और जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये प्रोसेस लगातार चलता है तो ये वायर गर्म हो जाता है, उसी को हम लोग जूल हीटिंग बोलते हैं। तो बात आती है कि किसी सर्टेन करंट के लिए कितना पावर जनरेट होगा इस रजिस्टर में या कितनी हीट पर यूनिट टाइम जनरेट होगी, हमें उसकी बात करना है। तो अभी अगर कोई रजिस्टर गर्म हो रहा है और एक लिमिट से ज्यादा गर्म हो जाए तो वो रेड हॉट हो सकता है, और उस रेड हॉट वायर को अगर हम बर्न होने से बचा लें तो वो हमें रोशनी दे सकता है। ये चीज हमने बल्ब में देखी है, जो पहले बल्ब आते थे अगर हम उनको ध्यान से देखें तो अंदर एक रजिस्टर रहता है, जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो करने लगता है। बेसिकली उसके अंदर का रजिस्टर रेड हॉट हो जाता है, और क्योंकि हमने अंदर इनर्ट गैसेस भरी होती हैं तो वो बर्न नहीं करता, ग्लो करता है और उससे हमें रोशनी मिलती है। तो बात आती है कितना पावर जनरेट हो रहा है किसी सर्टेन वोल्टेज के लिए या सर्टेन करंट के लिए, ये बात हमें डिसाइड करना है। मैंने कहा एक रजिस्टर के एक एंड पे जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, क्या दूसरे एंड पे जाने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है? क्या एक एंड से जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन स्टार्टअप करते हैं, क्या दूसरे एंड तक उनकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है? तो जवाब है नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि लगातार टक्कर की वजह से जो सीन शुरू में रहता है लगभग वही सीन एंड में रहता है, यानी डेल्टा के पूरे प्रोसेस में जीरो होता है। तो अगर मैं यहां से यहां बात करूं कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, क्या वर्क डन बाय द बैटरी शुड बी इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस लॉस, इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा यू कहीं नहीं है, डेल्टा के जीरो है। तो जितना भी एक्सटर्नल बैटरी वर्क डन करेगी वो सब लॉस में या जूल हीटिंग में जाएगा। एक क्यू चार्ज फ्लो कराने में बैटरी का वर्क डन क्या होता है, ये बात हम डिसाइड कर चुके हैं। वी होता है यूनिट कूलाम के लिए किया हुआ वर्क डन, तो क्यू कूलाम के लिए क्यू वी होगा, और लेट अस से एल इज द लॉस, यूनिट जूल होगी। तो हम यहाँ एल पे इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि डीएल बाई डीटी पे, यानी लॉस पर यूनिट टाइम, उसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, दैट विल बी वी डी क्यू बाई डीटी, यानी वी इंटू आई, ये पावर लॉस होगा। और अब इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट। ये पावर गिवन बाय द बैटरी भी है, पावर लॉस भी है, क्योंकि यहाँ कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, सारी एनर्जी लॉस में जा रही है। तो हमने देखा एक आर रजिस्टर में अगर वी वोल्ट कनेक्ट किया गया है तो उससे थर्मल पावर लॉस वी इंटू आई होता है, जो कि बैटरी के गिवन पावर के इक्वल ही है। हम किसी सर्किट में एक और चीज जानते हैं कि अगर वी के वोल्टेज से आर का रजिस्टर कनेक्ट किया है तो करंट वी बाई आर होगा। आमतौर पे किसी रजिस्टर के लिए हमें या तो V पता होता है या तो I पता होता है, तो V और I में रिजल्ट याद रखने से बेटर है किसी एक पैरामीटर में रखा जाए। अगर मैं I की जगह V बाई आर लिख दूंगा तो पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। अगर मैं V की जगह I इंटू आर रख देता हूँ तो ये रिजल्ट I स्क्वायर आर हो जाएगा। तो हम पावर के तीन फॉर्मूले जानते हैं, V इंटू I, V स्क्वायर बाई आर, I स्क्वायर आर, जरूरत के हिसाब से जहां जैसा डेटा गिवन होगा उस हिसाब से पावर का कोई ना कोई एक फॉर्मूला यूज किया जाएगा।